हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, एज वेल एज जो लोग कुछ और एग्जाम्स भी देते हैं। बेसिकली इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, मैं ये कहूँगा। वैसे तो अपकमिंग RIMC का एग्ज़ाम है, फिर RMS है, फिर सैनिक स्कूल है, इन बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। उसके अलावा चाहे NDA, CDS, FCAT, CAPF कोई भी बच्चा हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। जैसे कि कुछ दिनों बाद RIMC का एग्ज़ाम है, तो कौन कौन से पॉइंट्स RIMC के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए। देखिए, सबसे पहले क्योंकि अब RIMC का एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए, अब इस लास्ट मोमेंट में आप क्या करेंगे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो द फर्स्ट और द फोरमोस्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल नाउ प्रायोरिटाइज द टॉपिक। अब आप टॉपिक को प्रायोरिटाइज करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपना स्ट्रेंथन करेंगे, बाकी और टॉपिक्स में ध्यान नहीं लगाएंगे, ओके। जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से आता है, मेंसुरेशन आपको अच्छे से आता है, या एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छे से आता है, तो इन टॉपिक्स को अपना ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, इन टॉपिक्स को ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ताकि ऐसे टॉपिक्स से आने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ो और ऐसे क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली मार्क्स अच्छे फेच करो, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में यू हैव टू प्रायोरिटाइज टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ दैट यू हैव टू यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स नाउ। अब लास्ट मोमेंट है, अब लास्ट मोमेंट में आप बुक खोल के तो नहीं बैठोगे। अब लास्ट मोमेंट में जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जैसे मैं क्या करता था, idioms एंड phrases को फ्लैश कार्ड्स के रूप में मैं उसको पेस्ट करता था या अपने पास उन कार्ड्स को रखता था। तो इस तरीके से अगर आपने किसी पेज में वोकैबलरी वाला पोर्शन लिखा है या एक ही पेज में आपने मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज नोट कर लिए हैं, तो वो टेक्निक बड़ी काम आएगी। जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जाओगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तो यू विल बी हैविंग दैट शीट, यू विल बी हैविंग दैट फ्लैश कार्ड जिसमें आप वोकैबलरी वाला पोर्शन देख सकते हो या इंग्लिश में फॉर्मूलेज देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में इस एक्टिव लर्निंग टेक्निक को आप अपनाते हुए तैयारी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो टाइम आप अपना ट्रैवलिंग में वेस्ट करें, उस टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ओके। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस विद पेपर्स। अब आप किसी भी टॉपिक को मत पकड़ें, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अगर आप पूरा एक रिविजन चाहते हो, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहते हो, तो आप किसी भी पेपर को पकड़ लें, प्रीवियस ईयर का या मॉक पेपर जो हम आपको करवाते हैं उनको पकड़ लें। उससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे चैप्टर्स, क्योंकि हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर से दिए हैं, तो अगर आप किसी भी एक पेपर को सॉल्व कर लोगे तो सारे टॉपिक्स या सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। सेम गोज फॉर इंग्लिश, सेम गोज फॉर मैथ्स। आप किसी भी एक मॉक पेपर को पकड़ लीजिए, इवन फॉर GK के लिए भी हम मॉक पेपर्स आपके पास ला रहे हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब में आप देखिएगा, यू विल फाइंड द मॉक पेपर्स, तो आप उनको प्रैक्टिस करें। वो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, ताकि आप एक ओवरऑल सारे टॉपिक्स को या सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो दिस इज नाउ द प्रैक्टिस विद पेपर्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ बच्चों से। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि देखिए, एग्ज़ाम पास है, प्रॉपर नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपने प्रॉपरली रेस्ट लिया है, आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने प्रॉपरली रेस्ट लिया है, तो वो और बेहतर परफॉर्म करेगा ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम, बेसिकली जिस दिन रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। तो अभी से एक अच्छी हैबिट डाल दीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या खा रहे हैं वो भी आता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूट्रिशियस डाइट लेने की कोशिश करें, ज़्यादा कार्ब्स ना लें, ज़्यादा हैवी डाइट ना लें, अभी से वो हैबिट डाल लें। फ्रूट्स को इनटेक कर सकते हैं आप, मैंने ऑलरेडी आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी लाइट खाना खाइए, उसमें फाइबर ज़्यादा इंक्लूड कीजिएगा, खीरा या सैलड आप ज़्यादा खा सकते हैं, ताकि दूसरे दिन आप प्रॉपरली फ्रेश होकर एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप लाइट फील करें और ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, नींद जैसी ना आए, यू विल नॉट फील टायर्ड। हैवी खाने से वो टायर्डनेस, वो लेजीनेस आती है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, नहीं तो ये आपके एग्ज़ाम को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। एंड स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो पानी भी कैरी करना है एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है, बार बार ज़्यादा पानी नहीं पीना है, हल्का हल्का आप 5-5 या 10-10 मिनट में एक एक घूट आप पानी पी सकते हैं। सो दैट इज़ द वे टू हैव वाटर ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम, टू बी हाइड्रेटेड।
पूरी नींद लेना जरूरी है, टेक प्रॉपर रेस्ट ताकि माइंड आपका कंप्लीटली रेस्ट ले और बहुत अच्छे से परफॉर्म करें ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से फॉलो करें। और पेरेंट्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं पेरेंट्स को भी अर्ज करूंगा कि ज़रूर बच्चों को ये हेल्दी लाइफस्टाइल में आप ज़रूर हेल्प कीजिएगा। ओके, और जो बच्चे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं या डेली बैडमिंटन खेलते हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी उसको मत छोड़िएगा, एक दिन पहले भी आप थोड़ा सा खेल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड से सारा स्ट्रेस चले जाएगा इफ़ यू विल प्ले एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, और आपकी कोई हॉबी है तो उसको भी आप अभी इन लास्ट डेज में इनकलकेट कर सकते हैं या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है जो लास्ट मोमेंट में आता है उसको आप अवॉइड कर सकें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो आई हैव कवर्ड दिस फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला जो पॉइंट है आपके लिए वो है रिविजन वाला। ठीक है, रिविजन मैंने बताया था कि पेपर से आप रिविजन कर सकते हो, उसके साथ साथ आपसे फाइनली ये भी कहना चाहूँगा कि रिवीजन आप सिर्फ उन टॉपिक्स को करें जो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, कोई भी नए टॉपिक को अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए टॉपिक को टच करोगे एक एडिशनल स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस लास्ट मोमेंट में एंगजाइटी की वजह से आप उसको नहीं ग्रैस्प कर पाए जल्दी से। तो इट्स बेटर कि जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं या जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो उन्हीं को और स्ट्रेंथन करो, जैसे कि अभी मैंने कहा, तो वो ही आपके लिए एक रिविजन के लिए मेरी तरफ से एक टिप है, दैट प्लीज़ रिवाइज वट एवर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, उसी को कंसॉलिडेट करें, उसी को स्ट्रेंथन करें। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिविजन। ओके, सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा आपने, यू हैव मेड प्रॉपर नोट्स, और कोई बुक मत अभी रिफ़र कीजिएगा, अगर कोई किसी बुक में आपने चीज़ों को मार्क किया है तो हाँ तब आप उसे रिफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज जो नोट्स आपने बनाए उस नोट्स को देख कर ही आप चीज़ों को रिवाइज़ करें। लेकिन फिर से यही कहूँगा, जो ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हो उसी को और कंसॉलिडेट करें, उसी को और मजबूत बनाएं। स्टे काम, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू स्टे काम ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। और अभी से अब स्टे काम होने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर इफ़ यू नो मेडिटेशन इट्स वेरी गुड, बहुत बच्चों को आता भी है मेडिटेशन। अगर आप इफ़ यू आर इन टू एनी स्पोर्ट, जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है तो वो मुझे बहुत काम रखता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं टू स्टे काम एंड ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम देने जब जाता था, When I was of your age, मैं एग्ज़ाम देने जब जाता था तो मुझे याद है एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद जैसे पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होने से कुछ समय पहले बहुत टेंशन और एंगजाइटी व स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू टेक डीप ब्रीदिंग। ठीक है, आंखें बंद करी और लंबी लंबी सांसें ली और ऐसे 10-15 लंबी लंबी सांसें ली और उसके बाद आई यूज़ टू फील थोड़ा सा काम एंड कम्पोज। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो दिस टेक्निक, आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो जब पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, और ठंडे दिमाग से उस पेपर को देखो, एनालाइज करो, एंड देन सेल थ्रू द पेपर या सेल थ्रू दैट एग्जाम। ओके, इस टेक्निक को ज़रूर अपनाना। स्टे काम, इफ़ यू नो मेडिटेशन तो मेडिटेशन करके, जिन बच्चों को आता है मेडिटेशन सिर्फ वही मेडिटेशन करें एग्जाम से पहले ताकि एकदम शांत रहें। जिनको नहीं आता, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, वो डीप ब्रीदिंग ज़रूर कर लें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, उसको ट्राई करके देखना ज़रूर। ठीक है, तो स्टे काम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परफॉर्मेंस ठीक कर लेगी, आपकी स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा। ठीक है, देन नो द एग्ज़ाम वेन्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ कि ठीक है, जो भी आपका वेन्यू है सो आप प्लीज़ पहले देख लें एक बार, बल्कि बच्चे को भी ले जाएं, अगर वेन्यू बहुत दूर है तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, पेरेंट्स को तो फिर भी एक बार जाना चाहिए ताकि ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम कोई ऐसा पैनिक ना वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, कहीं आप लेट ना हो जाएं, क्योंकि देखिए अपने रूट को जानना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उस रूट में ट्रैफिक भी बहुत रहता है ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, सब लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो जो लास्ट मोमेंट में बच्चा जब लेट होता है ना, तो वो स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है, तो वो लास्ट मोमेंट पैनिक जनरेट ना हो बच्चे के अंदर। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा प्लीज़ नो द एग्ज़ाम वेन्यू, एग्ज़ाम वेन्यू को आप पहले ही विजिट कर लें एक दो दिन पहले। ठीक है, अच्छे से देख लें कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से आप जा सकते हैं, या अगर आपको होटल्स, अगर आपका दूर है एग्ज़ाम वेन्यू तो आप एक दो दिन पहले ही वहाँ चले जाएं, ताकि आप होटल ले लें आसपास, ताकि एग्ज़ाम वेन्यू तक पहुँचने में आपको दिक्कत ना हो। बच्चे को भी साथ में ले जाएं, वो भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, देख ले तो कंफर्टेबल हो जाएगा, वहाँ पर जब जाएगा ऑन द फर्स्ट डे, जिस दिन उसका एग्ज़ाम होगा ही विल बी कम्फर्टेबल। ओके, उसके अंदर वो स्ट्रेस, वो नई चीज़, नई जगह से लेकर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एंगजाइटी नहीं होगी। ओके, सो दिस अगेन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बात इसकी भी नहीं करता, बट यू शुड नो द एग्ज़ाम वेन्यू बिफोर टेकिंग योर एग्ज़ाम। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम टूल्स एंड मटेरियल्स। अरे भाई, जिस लड़ाई में जा रहे हो उस लड़ाई के वेपन्स अगर कैरी ना करो तो कैसे चलेगा। तो
तो एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी टूल्स और मटेरियल्स की ज़रूरत है, प्लीज़ अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो ज्योमेट्री बॉक्स हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, एवरीथिंग। पानी की बॉटल आप कैरी करोगे, कौन सी क्या नहीं, कौन से कपड़े उस दिन पहनोगे, एवरीथिंग शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टेकिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, एक दिन पहले ही उसको कर लेना। खासकर टूल्स और मटेरियल्स तो पहले ही तैयार हो जाने चाहिए। कौन से कपड़े कल पहनोगे वो तो एक दिन पहले आप करोगे, ठीक है, लेकिन टूल्स एंड मटेरियल्स तो आपके अभी तक सेट हो जाने चाहिए। सो दिस पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस वक्त आपको ध्यान में देनी है। सबसे पहले रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, आप ये स्टे काम वाली टेक्निक तो कर लोगे, डीप ब्रीदिंग वाली, यू विल बी काम एंड कंपोज्ड। देन रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कभी कभी क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस में कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, जैसे मैथ्स के पेपर में हो सकता है कि आपको पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस ना देते हुए 24 क्वेश्चंस दे दें और आपने वो पढ़ा नहीं। ठीक है, आपने उस चीज़ को देखा नहीं, आपके दिमाग में था कि अरे यार 20 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आप 20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चले और आपने कुछ अलग एडिशनल जो क्वेश्चंस थे उन पर ध्यान ही नहीं दिया। या पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में से 12 पूछे गए इस बार आपसे और आपको ऑप्शन दिया गया कि यू कैन डू एनी 10 आउट ऑफ इट। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, कोई भी उसमें रूल्स रेगुलेशंस कोई भी नए चेंज हो सकते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद देन आंसर स्ट्रैटेजिकली आंसर करना है आपको। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि एकदम इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि आप सीधा पार्ट ए से स्टार्ट करने लग जाओ। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो मैथ्स में वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, ऐसे नहीं करेंगे आपके उसका पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाए। पहले आप स्ट्रैटेजी बनाएं, पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको मार्क करें। जैसे कि हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि आप मैथ्स में पार्ट बी पहले करें। ठीक है, तो पार्ट बी को आप देखें और पार्ट बी में भी जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले मार्क करें, ताकि वो क्वेश्चन आप पहले करें। मैंने कहा था आपसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो, पार्ट कौन सा है वो डाल दीजिए और नंबर प्रॉपर डाल दीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पहले बनानी पड़ेगी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, कि आप उन क्वेश्चंस को टिक मार दो जो आपको इजी लगते हैं, जो आपको पार्ट पहले करना है। जैसे पार्ट बी पहले करना है तो पार्ट बी के इजी क्वेश्चंस पहले करो, फिर पार्ट बी के इजी क्वेश्चंस पहले करो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप करें। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको स्कैन करिएगा, स्कैन करने के बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी टिक मारिएगा, एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। ओके चलिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, जब आपका पेपर हो जाए तो साथ ही साथ आपको उसको एक बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू योर आंसर्स, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करें, उनको रेक्टिफाई करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का स्ट्रेस तो रहता ही है, तो उस स्ट्रेस की वजह से कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिंपल पंचुएशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसमें मार्क्स बहुत बच्चों के कट जाते हैं। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आरएमसी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को इसी तरीके से मैनेज कीजिएगा कि आप अपने पेपर को रिव्यू भी कर सको। लास्ट में कम से कम 5 से 10 मिनट आपके पास अपने पेपर को रिव्यू करने के लिए होना चाहिए। ओके, एंड डू कैरी वॉच विथ यू, अपने साथ एक वॉच भी कैरी कर लीजिएगा। इट शुड नॉट बी स्मार्ट वॉच, सिंपल वॉच कैरी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सेंटर्स में घड़ी नहीं रहती है, वॉल क्लॉक नहीं रहती है, तो आप अपने साथ वॉच कैरी, रिस्ट वॉच कैरी कर सकते हैं। याद रखना, एनालॉग हो डिजिटल हो चलेगा, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट और अ मस्ट वॉच वीडियो था बिफोर टेकिंग एनी एग्ज़ाम। आई होप कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। ओके, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और अगर आपको कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड इस लास्ट मोमेंट में कुछ भी पूछना है तो जो नंबर्स हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ, इन पे ज़रूर आप फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, नीचे भी नंबर मेंशन होगा, उस पर भी आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़रूर ज़रूर फॉलो करें, प्लस टेलीग्राम में भी हमें ज़रूर ज्वाइन करें। और लास्ट में ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर आरएमसी के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम एकदम आने वाला है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। जय हिंद।